हेलो गाइस, पीएसजी के मेरे यूट्यूब चैनल का और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज गाइस मेरे हाथ में देख सकते हैं इन्फिनिक्स बजट कैटेगरी का दो स्मार्टफोन एक साथ है। एक है गाइस इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले और एक है गाइस न्यूली लॉन्च इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले। और गाइस मेरे पास बहुत सारा कॉमेंट आया था इस दोनों स्मार्टफोन का गेमिंग कॉम्पेरिजन वीडियो करने के लिए। सो गाइस आज इस वीडियो के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन दोनों स्मार्टफोन का फ्री फायर गेमिंग कॉम्पेरिजन वीडियो। और गाइस इस वीडियो के अंदर गेमिंग के बारे में आप के लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहेगा ये गाइस मैं आप लोगों को क्लियर करके दिखा दूंगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते हैं। सो गाइस देख सकते हो सबसे पहले मैं इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन का ले लिया। अभी देखते हैं इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन के अंदर फ्री फायर मैक्स गेम कितना अच्छे तरीके से चलता है। अभी गाइस गेम स्टार्ट करने से पहले इस स्मार्टफोन का ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी देख लेते हैं। सो गाइस यहां पर सेंसिटिविटी देख सकते हो, रेड डॉट है 90, जनरल है गाइस 100। उसके साथ ग्राफिक्स देख सकते हो, मैं मैक्स ग्राफिक्स पर खेल रहा हूं। उसके साथ हाई रेस हाई है, शैडो ऑन है, कलर फिल्टर विविड है और हाई एफपीएस का ऑप्शन को भी मैं यहाँ पर हाई कर दिया। सो यहाँ पर एक क्लैश स्क्वाड 4 वर्सेस 4 मैच को स्टार्ट करते और देखते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर गाइस देख ही सकते हो क्लैश स्क्वाड 4 वर्सेस 4 मैच का पहला राउंड हो गया है स्टार्ट। पहला राउंड पर गाइस मेरे हाथ में M500 पिस्टल। अभी गाइस देखते हैं सेंसिटिविटी कैसा है, कितना डायरेक्ट करने से M500 पिस्टल की मदद से वन टैप हेडशॉट लगता है। सो गाइस आपको सीधा फाइट सीन के ऊपर ले चलता हूं। और फाइट सीन के ऊपर आने के बाद गाइस सामने एक बंदा छुपकर बैठा है, देख सकते हो। इसको तो एक ओपी वाला वन टैप हेडशॉट मार दिया उछल उछल कर ही। नेक्स्ट बंदा गाइस कहां पर है ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। और राइट साइड में गाइस यहां पर देख सकते हो और एक बंदा है, इसको भी ओ भाई एक ही बुलेट पर वन टैप मार दिया। सो बहुत बढ़िया तरीके से दो बंदे को यहाँ पर मैं वन टैप मार दिया पहले राउंड के अंदर। लास्ट बंदा गाइस अभी बचा है, इसको अगर वन टैप मार दिया तो तीन वन टैप हो जाएगा पहले राउंड के अंदर ही, लेकिन ये बंदा तो मर गया। सो गाइस पहला राउंड के अंदर दो दो हेडशॉट के साथ पहला राउंड तो हम जीत गए। अभी गाइस पहले राउंड के बाद फोन का सेंसिटिविटी की बात करता हूं, अंडर 9000 प्राइस रेंज के हिसाब से इस स्मार्टफोन का सेंसिटिविटी मेरे को सबसे ज्यादा बेहतर लगा है। क्योंकि गाइस इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वह है गाइस 6.82 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले। उसके साथ गाइस डिस्प्ले के अंदर गेमिंग के लिए जो मेन फीचर्स है अंडर 9000 प्राइस रेंज के अंदर, वो फीचर्स गाइस एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, उसके साथ 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, जिसके वजह से गाइस फोन के अंदर सेंसिटिविटी कूट कूट कर भरा है। थोड़ा सा ड्रैग करने से वन टैप हेडशॉट लग जाता है। उसके साथ अगर आप ड्रैग हेडशॉट करना चाहते हो तो ड्रैग हेडशॉट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने के लिए मिलता है इस स्मार्टफोन का। डिस्प्ले के अलावा गाइस सेंसिटिविटी और गेमिंग परफॉर्मेंस और एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, वो है गाइस प्रोसेसर। और प्रोसेसर के मामले में गाइस अंडर 9000 पर यह स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन बोल सकते हो। क्योंकि गाइस इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है यूनिसेक की तरफ से यूनिसेक T610 ऑक्टाकोर 4G चिपसेट। और गाइस इस चिपसेट का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 1.82 गीगाहर्ट्ज़। सो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन गाइस प्रोसेसर बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि इस प्रोसेसर का जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर निकल कर आता है वो है गाइस 1,80,000 के ऊपर। सो गाइस सोच सकते हो अंडर 9000 प्राइस रेंज के हिसाब से 1,80,000 के ऊपर एंटीटू बेंचमार्क स्कोर, मतलब प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके वजह से गाइस फ्री फायर मैक्स गेम मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर गाइस बहुत ही आसानी से हैंडल हो जाता है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन की मदद से। इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन के अंदर फ्री फायर गेम को खेलने के बाद भी गाइस उतना ज्यादा लैगिंग इशू और हीटिंग इशू फील नहीं होता है। लेकिन गाइस इस चिपसेट का फैब्रिकेशन प्रोसेस है 12 नैनोमीटर। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिलता है। उसके बाद भी गाइस फैब्रिकेशन प्रोसेस ज्यादा होने के बाद भी यह स्मार्टफोन उतना ज्यादा हीट नहीं होता है। और अभी तो गाइस सर्दी का मौसम चल रहा है, जितना चाहे गेम खेल लो इस स्मार्टफोन के मदद से आपका स्मार्टफोन हीट नहीं होगा। सो गाइस यह था इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन का प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन। और 9000 प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर तो बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिलता है इस स्मार्टफोन के अंदर। और प्रोसेसर कोई भी स्मार्टफोन के अंदर जितना बढ़िया होगा गेमिंग परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा देखने को मिलेगा, सेंसिटिविटी भी उतना ही बढ़िया देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस गेमिंग के लिए इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन के अंदर 6000 mAh का एक लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी देखने के लिए मिलता है और बॉक्स के अंदर 10 वाट का चार्जर देखने के लिए मिलता है। तो गेमिंग के लिए 6000 mAh बैटरी एक बहुत ही बेहतरीन फीचर बोल सकते हैं। इसके अलावा गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, जहाँ पर DTS सराउंड सिस्टम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी दिया गया है। उसके साथ कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो रियर साइड के ऊपर डुअल कैमरा सेटअप है, 13MP मेन सेंसर, 2MP डेप्थ लेंस और 8MP का एक फ्रंट शूटिंग सेंसर। और इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन का एक ही रैम और रोम वेरिएंट अवेलेबल है, 4GB रैम
64GB स्टोरेज वेरियंट जिसका गाइस अभी के टाइम पर प्राइस है 8,499 रुपीज़। सो गाइस 8,500 प्राइस रेंज के हिसाब से इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन मेरे को लगा है, क्योंकि यहाँ पर गाइस देख सकते हो फुल मैक्स ग्राफिक्स पर गेम खेलने के बाद भी थोड़ा सा भी लैगिंग इशू मेरे को देखने के लिए नहीं मिला है और फोन भी उतना ज्यादा हीट नहीं हुआ है। अभी गाइस इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले स्मार्टफोन के मदद से गेम खेलते हैं और देखते हैं इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन को बीट कर पाता है क्या नहीं गेमिंग के मामले में। अभी गाइस देख सकते हो मेरे हाथ में आ गया है इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले स्मार्टफोन और इस स्मार्टफोन के मदद से भी फ्री फायर गेम को ओपन करते हैं और देखते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे देखने के लिए मिलता है। और इस स्मार्टफोन का अंदर गेम खेलने से पहले सेटिंग्स और सेंसिटिविटी देख लेते हैं। सो सेंसिटिविटी यहाँ पर गाइस देख सकते हो जनरल 100 है, रेड डॉट है गाइस 95। उसके साथ डिस्प्ले को जाने के बाद यहाँ पर ग्राफिक्स देख सकते हो फुल मैक्स ग्राफिक्स पर खेल रहे हो, हाई रेस हाई है, शैडो ऑन है, कलर फिल्टर विविड है, हाई एपीएस के ऑप्शन को भी यहाँ पर मैं हाई कर दिया। सो दोनों स्मार्टफोन के अंदर ही गाइस मैं सेम ग्राफिक्स के ऊपर गेम को खेलने वाला हूँ। सो यहाँ पर भी एक क्लैश स्क्वाड मैच स्टार्ट कर दिया 4v4 और अभी गाइस गेम के अंदर जाके देखते गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा देखने के लिए मिलता है और इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन को गेमिंग के मामले में बीट कर पाता है क्या नहीं। अभी गाइस देख सकते हो इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले स्मार्टफोन के अंदर क्लैश स्क्वाड मैच का पहला राउंड हो गया स्टार्ट। पहला राउंड पर मेरे हाथ में M51 पिस्तौल, सो देखते सेंसिटिविटी कैसा है और वन टाइम हेडशॉट लगता है क्या नहीं। और फाइट सीन के ऊपर आने के बाद गाइस मेरे सामने एक बंदा देख सकते हो, इसको वो भाई साहब ओपी वाला एक वन टैप तो मार दिया सामने गाइस। और एक एनिमी गाइस यहां पर देख सकते हो, इसको भी वन टैप देने का कोशिश करते हैं। सो गाइस इसको भी 258 का एक वन टैप हेडशॉट मार दिया। लास्ट एनिमी गाइस यहां पर बच गया है, इसको वन टैप अगर मार दिया तो 3 वन टैप हो जाएगा, लेकिन इसको तो मेरा टीममेट ही मार दिया। सो दो ओपी वाला वन टैप के साथ पहला राउंड का यहाँ पर भी हम जीत गए। अभी गाइस पहला राउंड के बाद फोन का सेंसिटिविटी की बात करें तो फोन का सेंसिटिविटी यहाँ पर एवरेज देखने के लिए मिला है, उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन 9000 प्राइस को कंसीडर करते हुए यहाँ पर सेंसिटिविटी को ठीक ठाक सेंसिटिविटी बोल सकते हो। और इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग के लिए जो सेंसिटिविटी देखने के लिए मिलता है उसका मेन रीजन है इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले और प्रोसेसर। इस स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है 6.82 इंच का एक HD प्लस TFT IPS डिस्प्ले और यहाँ पर कोई भी LCD पैनल का यूज नहीं किया गया है, लेकिन इन्फिनिक्स हॉट 12 प्लस स्मार्टफोन के अंदर LCD पैनल देखने के लिए मिलता था। और गेमिंग के लिए इन्फिनिक्स हॉट 20 प्लस स्मार्टफोन का अंदर देखने के लिए मिल जाता है 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, उसके साथ जो टच सैंपलिंग रेट है वो है गाइस 120Hz। लेकिन गाइस इन्फिनिक्स हॉट 12 प्लस स्मार्टफोन के अंदर 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 180Hz टच सैंपलिंग रेट देखने के लिए मिलता था, जो थोड़ा सा बेटर बोल सकते हो इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले स्मार्टफोन के मामले में। लेकिन गाइस 9000 प्राइस को कंसीडर करते हुए इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले स्मार्टफोन का डिस्प्ले भी एक ठीक ठाक डिस्प्ले बोल सकते हैं। गेमिंग के लिए डिस्प्ले के बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा फीचर से प्रोसेसर। प्रोसेसर के मामले में इन्फिनिक्स यहाँ पर यूज किया है मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक G37 प्रोसेसर को, और यह प्रोसेसर एक ठीक ठाक प्रोसेसर है लेकिन गेमिंग के लिए अच्छा प्रोसेसर नहीं है, क्योंकि इसका एंटूतु बेंचमार्क स्कोर देखने के लिए मिलता है 120,000 के करीब। उसके साथ फैब्रिकेशन प्रोसेस है 12 नैनोमीटर, सो फोन ज्यादा हीट होता है और मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर फ्री फायर गेम को खेलने से बहुत ही ज्यादा लैग देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर भी 6000mAh का बैटरी देखने के लिए मिलता है। बॉक्स के अंदर 10W का चार्जर है, 4GB रैम, 64GB मैक्सिमम स्टोरेज और रैम सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके साथ कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो रियर साइड के ऊपर डुअल रियर कैमरा सेटअप है, 13MP प्लस 2MP AI लेंस और 8MP का फ्रंट शूटिंग सेंसर। सो गाइस अभी कंक्लूजन की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर सेम स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलता है प्रोसेसर को छोड़ के, लेकिन गेमिंग के लिए प्रोसेसर सबसे ज्यादा जरूरी होता है और प्रोसेसर के मामले में यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले क्लियर विनर। अभी गाइस दोनों स्मार्टफोन का सेंसिटिविटी की बात करो तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर मेरे को इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन का सेंसिटिविटी भी थोड़ा सा बेहतर लगा, क्योंकि यहाँ पर 180Hz टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा बेहतरीन है इन्फिनिक्स हॉट 20 स्मार्टफोन के मामले में। और कैमरा स्पेसिफिकेशन भी सेम है, लेकिन इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन का कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। उसके साथ रैम रोम तो सेम ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन गाइस यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो गाइस इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। गाइस इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले स्मार्टफोन के अंदर हीलियो G37 प्रोसेसर के वजह से फोन थोड़ा सा हीट जरूर होता है, उसके साथ गेम खेलने के टाइम गाइस बहुत ज़्यादा लैगिंग और फ्लेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिलता है मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर। लेकिन मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन के अंदर थोड़ा सा भी लैगिंग और हीटिंग इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। सो गाइस अगर आप 9000 प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो जहां पर गेम मक्खन के जैसे चलेगा, तो आंख बंद करके आप इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन को ले सकते हो। ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन है अंडर 9000 प्राइस रेंज के हिसाब से। और ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट सेल के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 7500 प्राइस रेंज के अंदर, और 7500 प्राइस रेंज के हिसाब से ये स्मार्टफोन एक किलर डिवाइस बोल सकते हो। सो गाइस आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।